हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अफी डॉट इन में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि डिप्लोमा के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों, ये सिविल और मैकेनिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डिप्लोमा में या स्ट्रक्चरल मशीन के नाम से दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो उसका हम सिलेबस देख लेते हैं, पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इस पूरे वीडियो में, ठीक है दोस्तों। आगे के आने वाले वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ेंगे, क्या 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 पढ़ना है हम उन टॉपिकों को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। उसका बेसिक डिफिनीशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा दूसरा जो होगा इंट्रोडक्शन के बाद हम देखेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में हम बहुत ही अच्छे से जानेंगे, क्या होता है कैसे होता है जब हम पढ़ाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो तीसरा टॉपिक आता है वो शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है दोस्तों। ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम आपको शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। हमारा चौथा टॉपिक आता है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम, बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। आगे हमारा पांचवा आता है शियर स्ट्रेस इन बीम, बीम में शियर स्ट्रेस भी जनरेट होता है, वो शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी हम आगे की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। ये दोस्तों हमारा टॉपिक था, पाँच टॉपिक। ये छठवां हमारा आता है कॉलम, कॉलम क्या होता है, कॉलम कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, टाइप ऑफ फेलियर सब हम डिटेल में कॉलम के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हमारा अगला टॉपिक आता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। दोस्तों, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, ठीक है। इसको भी हम पढ़ने वाले हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन को ही। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से दोस्तों जेई में अधिक क्वेश्चन बनता है। अगला हमारा टॉपिक आता है मोमेंट ऑफ एनर्जी। मोमेंट ऑफ एनर्जी आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मोमेंट ऑफ एनर्जी को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा एनालिसिस ऑफ ट्रस, ट्रस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। और डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी इसके अंदर आता है वो क्या होता है वो हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट इसके अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये हमारा ओवरऑल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जो सिलेबस दिया हुआ था वो सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग हम आगे पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपके पास पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले जो वीडियो आएगा उस वीडियो से हम इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तब तक के लिए धन्यवाद।